Today I have come with an interesting story taken from the Hindu newspaper. This story forces us to mull over the situation which has arisen out of COVID-19 pandemic. आज के COVID-19 महामारी के प्रभाव में जो सिचुएशन नए नए उत्पन्न हो रहे हैं उसी उत्पन्न सिचुएशन से एक स्टोरी जो द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी है उस पर हम आज बात करेंगे। इस स्टोरी पर बात करने के साथ साथ हमें इंग्लिश के अच्छे वोकैबुलरी, कुछ पर्टिकुलर ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन सीखने को मिलेंगे। आप व्यूअर्स को यह एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही फायदेमंद है टू बिल्ड अप टू बूस्ट अप द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक अपील है कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस वीडियोस में अब आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रेन रिटर्न टू रैग पिकिंग इन भोपाल। पहले इस वर्ड जो है रैग पिकिंग इसको समझ लेते हैं। रैग मीन्स होता है ऐसे आइटम जो फट चुका है, पुराना हो चुका है और फेंका हुआ है, यूज में नहीं है, ठीक है। पिक मतलब उठाना, चुनना, तो रैग पिकिंग का मतलब कचड़ा जो बाहर फेंका हुआ आता है उसे उठाने की जो प्रक्रिया है उस काम को रैग पिकिंग बोलते हैं। बच्चे उस काम पर वापस लौट गए, रिटर्न टू रैग पिकिंग का मतलब उस काम पर लौट गए इन भोपाल। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लें कि जब हेडलाइंस होते हैं न्यूज़पेपर में तो उसमें जब वर्ब में एस, ईएस या प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले जो सेंस वाले वर्ब होते हैं तो आपको समझना है कि वो घटना हुई, पास्ट समझना। वहाँ पर चिल्ड्रन रिटर्न मतलब बच्चे लौट गए, दैट्स क्लियर। शट स्कूल, स्कूल बंद हो गई, ये जो है वो बतला रहा है कि वो बंद हो गई, क्लियर है, स्कूल बंद हो गई, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं पेनियरी। पेनियरी का मतलब होता है वेरी पुअर स्टेट ऑफ लिविंग, या आप एक शब्द में बोलें तो गरीबी, है ना, बहुत घोर गरीबी को पेनियरी बोला जाता है। लीव फ्यू ऑप्शंस, यानी कि जो घोर गरीबी है, यानी कि आप गरीबी भी सिंपली बोल सकते हैं, पॉवर्टी जो है उसने बहुत कम ऑप्शन छोड़ा है। फ्यू का मतलब यहाँ पर ग्रामर समझ लें, जब ये फ्यू विदाउट ए आर्टिकल आता है तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि आप ये मानकर चलें कि ना के बराबर कोई ऑप्शन छोड़ा है, क्लियर है, यानी कि ये गरीबी जो है लगभग कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, आप ऐसा समझ लें इसको। चलिए आगे देखते हैं। वॉट एवर, जो कुछ भी, लिटिल काउंटिंग, लिटिल अगेन यहाँ पर इसी तरह से यूज हुआ है जिस तरह से फ्यू हुआ है, इसके पहले भी ए आर्टिकल नहीं है तो हमें मानकर चलना है कि बिल्कुल न के बराबर, थोड़ा बहुत है लेकिन जो है वो न के बराबर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वॉट एवर लिटिल काउंटिंग राहुल थोरैट, किसी का नाम है 13 जिसका उम्र 13 वर्ष है, लर्नड सीखा एट स्कूल, यानी कि जो कुछ भी राहुल थोरैट ने सीखा काउंटिंग कहाँ, स्कूल में, इज नाउ हेल्पिंग हिम, अब उसे मदद कर रहा है। अब यहाँ पर समझे, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो ईच जो है वो किसको जोड़ रहा है, आगे के पोर्शन जो जो है वो और उसके बाद वाले, यानी कि सेंटेंस में ये बोल रहा है कि इज नाउ हेल्पिंग हिम, यानी कि राहुल को हेल्प कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लिटिल काउंटिंग लर्नड एट स्कूल, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, वॉट एवर लिटिल काउंटिंग राहुल थोरैट 13 लर्नड एट स्कूल, क्योंकि जो हेल्प कर रहा है वो सिर्फ काउंटिंग नहीं कर रहा है, वो व्हाटएवर लिटिल काउंटिंग है वो कर रहा है, किसको, राहुल थोरैट को,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फेच, फेच मतलब खींचना होता है, लेना होता है, ठीक है। द राइट प्राइस फॉर द स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब जो भी आपके घर से आप जो अनयूज आइटम बाहर फेंक देते हैं वो स्क्रैप होता है, है? तो वो जो लोग जो बच्चे कलेक्ट करते हैं, ही कलेक्ट्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह कलेक्ट करते हैं, तो उसकी सही कीमत क्या है, उसको किस कीमत पर बेचना है, क्या करना है, उसके लिए इसकी जो काउंटिंग उसने जो स्कूल में सीखा थोड़ा बहुत, उससे उसको मदद मिल रही है। क्लियर है? आई कैन काउंट अप टू 100, मैं 100 तक गिनती गिन सकता हूँ, ही सेड, उसने बोला, किसने, राहुल थोरेट ने। क्लियर है? बीमिंग विद प्राइड, और ये बात बोलते हुए उसके चेहरे पर गर्व थी। बीम का मतलब चमकना, विद मतलब साथ में, प्राइड मतलब गर्व, यानी कि गर्व के साथ चमकना, यानी कि उसके चेहरे पर उस समय गर्व की चमक थी। क्लियर? आगे चलते हैं। हीज फादर, उसके पिता, हु इज डिसेबल्ड, जो विकलांग हैं, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, किसके लिए, हीज फादर के लिए, क्योंकि वह एक आदमी है और आदमी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में जो के सेंस में हु का इस्तेमाल होता है, अगर यह आदमी नहीं होता तो विच का इस्तेमाल होता। आगे देखिए, यूज्ड टू, यूज्ड टू का पहले समझ लीजिए मतलब क्या है। यूज्ड टू एग्जांपल के साथ आप समझने की कोशिश करें, जैसे मैं पढ़ाया करता था तो आई यूज्ड टू, मैं खेला करता था आई यूज्ड टू प्ले, तो इस तरह के सेंस में यूज टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हिज फादर यूज टू फाइंड वर्क, उसके पिता काम ढूंढा करते थे या उनको काम मिला करता था एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पर। कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब क्या हुआ, ऐसी जगह जहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, जैसे मकान बन रहा हो, कहीं बिल्डिंग बन रहा हो, फ्लैट्स बन रहे हो, ब्रिज बन रहे हो, रोड्स बन रहे हो। ठीक है, Before the lockdown kicked in, है ना, lockdown जब लागू हुआ उसके पहले उनको काम ऐसे जगहों पर मिलता था। अब kicked in का मतलब समझ लें, कोई भी ऐसी कदम, step या action जो अचानक ले लिया गया हो, पहले से कोई पता नहीं है किसी को, अचानक कोई घटना घट गई वहाँ पर, यानी कि वो kick in हो गया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। While his mother, जबकि उसकी माँ, suffering from a mental illness, एक मानसिक बीमारी से ग्रसित है, stays home, घर पर ही ठहरती है, घर पर ही रहती है। suffering मतलब ग्रसित होना। आगे देखिए, burden on children, बच्चे पर बोझ, राहुल heads out for rag picking at 10 AM, rag picking के लिए वो कितना बजे निकलता है, head out मतलब घर से बाहर निकलना, 10 बजे सुबह। Each day, प्रतिदिन, when his school, जब उसका स्कूल जो है, now shut, अब बंद हो चुकी है, owing to, के कारण, the COVID-19 pandemic, COVID-19 महामारी अर्थात कोरोना वायरस महामारी के कारण उसकी जो स्कूल बंद हो चुकी है, when his school used to begin earlier, जब वह पहले खुला करता था। ठीक है, क्लियर हो गया। I have to support my family, he said, यानी कि said the class to student, जो दूसरी कक्षा का बच्चा है, स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसने बोला कि I have to support my family, have to का मतलब समझ ले जहाँ पर कंपल्सरी कोई चीज़ हो, है ना, जैसे मुझे सपोर्ट करना है, करना पड़ेगा, इस सेंस में, है ना, तो क्या बोल रहा है कि मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है। ठीक है, besides the ration procured through the public distribution system, अब यहाँ पर समझ लें, besides का मतलब होता है के अलावे, लेकिन include करके, अगर यहाँ पर except होता तो मतलब होता है छोड़ करके, तो जब besides आए तो मतलब समझना है include करके, यानी कि जो राशन आई कहाँ से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भारत सरकार के द्वारा पीडीएस सिस्टम चलाई गई, उसके थ्रू जो राशन आई उसके अलावे, द 100 to 150 दैट राहुल मेक्स एवरी डे, प्रतिदिन वो जो कमाता है 100 से 150 रुपये, बाई
सेल्वेजिंग स्क्रैप अंटिल 6 PM, 6 बजे तक इन जो कचड़े है, स्क्रैप है, इसको सेल्वेज करने में, है ना, छाटने में, उसको अलग करने में, साफ़ करने में जो टाइम देता है प्रतिदिन, उससे वो 100-150 रुपये कमा लेता है। मेक मनी का मतलब पैसा कमाना, यहाँ पर मनी वर्ड के जगह पर ये रुपये आ गया, 100-150 रुपये, यानी कि 100 से 150 रुपये बना लेता है, वो कमा लेता है। ठीक है, इज हेल्पिंग, कौन हेल्प कर रहा है, द 100 to 50 दैट राहुल मेक्स एवरी डे बाई सेल्वेजिंग स्क्रैप अंटिल 6 PM। तो ये जो 100 से 150 रुपये कमाता है वो हेल्प, उसको हेल्प कर रहा है, इज हेल्पिंग कीप द फैमिली अलाइव, है ना, बट जो फैमिली है उसको जिंदा रखने के लिए, एट देयर टीन शेड ड्वेलिंग इन टीटी नगर हेयर। अब यहाँ समझ लें, जो ड्वेल जो वर्ड है उसका मतलब होता है रहना, निवास करना, उसमें आईएनजी लगा करके इसको एक नाउन बना दिया गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया निवास। तो अब यहाँ पर देख लीजिए किस तरह का निवास है, उसमें जो शेड है वो टीन का है, यानी कि टीन के शेड का बना हुआ निवास में वो रहता है और वहीं पर उसकी फैमिली पूरी रहती है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। लाइक हिम, उसी की तरह, सेवरल चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज इन भोपाल हैव रिटर्न टू रैग पिकिंग और बेकिंग। उसी की तरह और भी जो बहुत बच्चे हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं भोपाल में, हैव रिटर्न, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, लौट चुके हैं टू रैग पिकिंग, कचरा ढोने के लिए, कचरा उठाने के लिए, चुनने के लिए, और बेगिंग, भीख मांगने के लिए। ठीक है, वी हैड आइडेंटिफाइड 15 चिल्ड्रन लिविंग, मतलब हमने पहचान किया था 15 बच्चों को लिविंग इन द शेड्स, जो वो शेड्स है उसमें जो बच्चे रह रहे थे उसमें से 15 बच्चे को हमने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अब यहाँ पर समझे, सेट्स के पहले द आर्टिकल आया, क्यों आया, क्योंकि सेट्स ऑलरेडी एक बार पहले बात हो चुकी है, तो जब कोई चीज़ या नाउन जिसकी बात हो चुकी होती है उसे जब दोबारा उसके बारे में बात करना होता है तो हम द आर्टिकल लगा करके बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको नोन है, जानकारी में आ चुकी है। ठीक है, आगे चलती हैं, एंड ग्लीन्ड देम फ्रॉम सच एक्टिविटीज अर्लियर, कह रहा है कि वो जो बच्चे जिनको हमने 15 बच्चों को हमने उस सेट्स वाइज से आइडेंटिफाई किया था उनको इस तरह के एक्टिविटीज से पहले हमने ग्लीन कर दिया। आप समझिए, यहाँ पर ग्लीन का मतलब पिक करना होता है, चुनना होता है, यानी कि वहाँ से 15 बच्चों को इन लोगों ने चुन करके हटा दिया था कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज आपको नहीं करना है, बट लेकिन नाउ ऑल ऑफ देम, सब के सब आर बैक एट इट, वो 15 के 15 बच्चे जो हैं वो इस काम में, रैग पिकिंग के काम में वापस लौट आ गए हैं। सेड अर्चना सहाय, ये बात किसने कही, अर्चना सहाय ने, अच्छा वो कौन है, डायरेक्टर हैं, आरंभ एक NGO है बच्चों के लिए, जो बच्चों के अधिकार की बात करती है, उन्होंने ये बात बोला है। ठीक है, सेक्शन 76 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, 2015 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसका जो सेक्शन 76 है वो क्या बोलता है, प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर बेगिंग, कि आप जो बच्चे हैं उनको भीख मांगने की एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोहिबिट्स वर्ड समझ लें, प्रोहिबिट्स का मतलब होता है कानूनन तौर पर आदेश के द्वारा, किस इंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रतिबंध लगाना। जो हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको ये वर्ड्स पहले भी बता चुका होगा, आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं, एट द टीन शेड्स, मैंने अभी तुरंत बताया था यहाँ पर द का आर्टिकल क्यों लगा, फिर से यहाँ पर देखिए सेम चीज़ हो गया, द का आर्टिकल लगाया गया है, क्यों लगाया, क्योंकि ये चीज़ पहले बात हो चुकी है, उसी की रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसके पहले द आर्टिकल लगेगा। चलिए, एट द टीन शेड्स कमला कुमारी, यानी कि कमला कुमारी नाम की कोई औरत रहती है, इज वरीड, चिंतित है, हर 8-year-old डॉटर, अपने 8 साल की बच्ची के लिए, हु, अकेन देख लिए, कुछ देर पहले आपको बताया था कि हु का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है, चूँकि यहाँ पर व्यक्ति है इसलिए हु जो आया, यहाँ पर व्यक्ति है इसलिए हु का इस्तेमाल हुआ, है ना, हु
शी बिलीव्स इज ए क्विक लर्नर, है ना। वो किसके लिए आया, इस डॉटर के लिए। तो वो क्या बोल रही है जो औरत है, कि भाई उसकी जो बच्ची है 8 साल की, वह बहुत क्विक लर्नर है, यानी कि कोई भी चीज़ पढ़ती है तो जल्दी सीख जाती है, ठीक है। स्पेंड्स मोर टाइम बेगिंग इन द न्यू मार्केट एरिया नाउ दैन रीडिंग हर बुक्स। वो जो लड़की है 8 साल की, वो पढ़ने के बजाय, अपनी किताब पढ़ने के बजाय, वो ज़्यादातर टाइम क्या करती है, बेगिंग यानी कि भीख मांगने में बिताती है, ठीक है। आई टेल हर नॉट टू गो देयर, वो औरत बोल रही है कि मैंने उससे बोला है नहीं जाने के लिए वहाँ पर, बट लेकिन शी रिफ्यूज टू लिसन, वह नहीं सुनती है, वह नहीं मानती है। एंड रिटर्न्स विद, वो लौटती है साथ में लेकर क्या, समोसा एंड पोहा, समोसा और पोहा लेकर आती है, अलॉन्ग विद मतलब के साथ, ठीक है, किसके साथ, हर फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ। सेड मिस कुमारी, जो औरत हैं उन्होंने बोली, अ मदर ऑफ 5, जो 5 बच्चों की माँ है, एंड ए डोमेस्टिक हेल्प, और वो डोमेस्टिक हेल्प में काम में करती रहती हैं। वी हैव टेकन अप, टेकअप का मतलब होता है मुद्दा उठाना। वी हैव टेकन अप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, हमने मुद्दा उठाया है दिस, इस मुद्दे को, है ना, दिस इश्यूज विद द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसके साथ हमने मुद्दा को उठाया है। देयर नीड्स टू बी ज़रूरत है अ कंटिजेंसी प्लान, एक आकस्मिक प्लान की ज़रूरत है, एक इंटरिम प्लान की ज़रूरत है फॉर सच फैमिलीज। कंटिजेंसी का मतलब होता है तत्काल तौर पर और इमरजेंसी में कोई ऐसी प्लान जिससे कि उपाय ढूंढा जा सके, कुछ किया जा सके, उसमें हम कंटिजेंसी बोलते हैं, यानी कि इमरजेंसी आप समझ सकते हैं मोटा मोटी। सेड राखी रघुवंशी, राखी रघुवंशी ने बात बोली, ऑफ उदय सामाजिक विकास संस्थान, ये भी एक संस्थान है, एन NGO, जो कि एक NGO है, ठीक है। अब यहाँ पर N जो है वो कॉन्सनेंट है, तो फिर N आर्टिकल क्यों लगा, अब याद रखेंगे, जब उच्चारण वॉवल जैसा हो तब आर्टिकल एन लगाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि NGO में एन जब बोल रहे हैं तो ए जो है वो वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए एन आर्टिकल लगा इसके पहले। दैट्स क्लियर। चलिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन DEO जो होते हैं, नितिन सक्सेना जिनका नाम है, सेड, उन्होंने बोला है, द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, had not yet come across such cases, इस तरह के केसेस से नहीं गुजरी है अभी तक। yet, YET, yet का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, याद रखेंगे। yet का यूज अभी तक के सेंस में, क्वेश्चन करने में और नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब एक एग्जाम्पल समझ लें, आप सपोज कीजिए बाजार जा रहे हैं, अचानक कोई आपके रिश्तेदार मिल गए, यानी कि पहले से आपको नहीं पता था कि वो आ रहे हैं या मिलेंगे, तो इस तरह से अगर कुछ होता है या आपके सामने कोई घटना घटती है, कोई मिलता है, तो उसको कम अक्रॉस बोलते हैं। तो इसका प्रॉपर यूज समझिए कि कम अक्रॉस का बोलेंगे। हाउएवर, फिर भी, वी लुक इनटू द इशू, इस मैटर में हम लोग देखेंगे, रेट जो उठाया गया है, एंड हेल्प रिजॉल्व इट, और इसको ठीक करने की मदद करेंगे, ठीक है। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें काफ़ी वर्ड्स, ग्रामर एंड प्रॉपर वर्ड्स का यूज कैसे करना है, क्यों वर्ड्स कहाँ पर यूज कैसे हुआ है, सारा कुछ मिला आपको। वीडियो आपको अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू।